अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स वीक 2 का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और वीक 1 में हमारे 6 लेक्चर्स हुए थे और ये हमारा फिर लेक्चर नंबर 7 होगा। 1.3 जो है इससे रिलेटेड कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आसान सा काम है। जब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप इजीली इसको जवाब अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। आपको डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है, आपने इनमें से ये बताना है कि कौन से जो है एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। फर्स्ट आपके पास है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है आपके पास 2, 1, -1, 3। बी मैट्रिक्स है आपके पास 3 एंड 1। सी मैट्रिक्स है आपके पास 1, 0, 2, -1, 1, -2। डी मैट्रिक्स है आपके पास 2+1, 2+1, 3 था, तो मैं इनको ऐड करके राइट कर देता हूं। और मैट्रिक्स ई जो है ये है आपके पास -1, 0, 1, 2। और ई के बाद लास्ट मैट्रिक्स जो हो कि आपके पास एफ होगा, उसको साइड पे राइट कर देते हैं 3, 2, 3, 2, 1+1, -4, 3+2, 2+1। इनको सॉल्व करके राइट करता हूं। अब 3, 2 एज इट, 1+1, 2, -4 भी एज इट, 3+2, 5 और 2+1, 3 होगा। अब कौन से मैट्रिक्स जो है वो आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे? तो इसके लिए सिंपल रीजन है, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम वाले मैट्रिक्स ही आपस में ऐड हो सकते हैं। ये मैं आप के सामने इनके राइट कर देता हूं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स आपके पास इनके होंगे 2 बाय 2 है इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर है आपके पास नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो 2 बाय 1। और इसका ऑर्डर आपके पास होगा नंबर ऑफ रोज 3 है, 3 बाय 2। और इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, 2 बाय 1। और इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो 2 बाय 2। ये आपके पास इनके ऑर्डर्स आ जाएंगे। और इसका अगर ऑर्डर आप राइट करें तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 2 है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि अगर डिफरेंट वाले जो है उनको आप ऐड करें तो ये क्यों नहीं ऐड होते। तो ए का ऑर्डर 2 बाय 2 है और बी का ऑर्डर 2 बाय 1 है, तो मैं इनको ऐड कर देता हूं आपको ये प्रूफ देने के लिए कि डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। ए प्लस बी है, ए के एलिमेंट को पहले लिख लेते हैं 2, 1, -1, 3, फिर प्लस साइन लगा देते हैं और बी के एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं 3, 1। अब चेक करें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो कि 2 है, सेकंड में फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो कि 3 है इसमें ऐड कर दूंगा। फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो कि -1 है, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट जो कि 1 है उसमें मैं ऐड कर दूंगा। अब जरा चेक करें, इसमें तो आपका सेकंड कॉलम भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 1, 3 है, तो आपके सेकंड मैट्रिक्स में इसके लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं? मेरे पास तो सेकंड मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम ही नहीं है, तो ये तो आपके पास हो जाएगा सॉल्यूशन डजंट
एग्जिस्ट। सो आपके पास डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिसेस जो है इनको ऐड नहीं किया जा सकता। अब सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जा सकता है ये आपके सामने मैं प्रूव कर देता हूं। एक ऑर्डर 2x2 है और 2x2 वाला आपके पास ई है, ए प्लस ई कर देते हैं। ए के मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स की जो एलिमेंट है इनको ऐड कर देते हैं, इनको राइट कर देते हैं 2, 1, -1, 3 और ए के एलिमेंट्स हैं -1, 1, 0, 2। अब ऐड करते हैं, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा 2, -1। फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो कि -1 है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट जो कि +1 है उसमें ऐड होगा। अब सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो कि आपके पास 1 है इसमें सेकंड कॉलम का सेकंड फर्स्ट एलिमेंट जो है 0 उसमें ऐड होगा। सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो कि 3 है इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट जो कि 2 है उसमें ऐड होगा। ये देखें तो सबके लिए आपके पास जितनी रोज हैं उतनी कॉलम्स हैं, जितनी कॉलम्स हैं उतनी ही रोज हैं। और आप चेक कर लें दोनों के नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है इसलिए ये आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि हर एलिमेंट के लिए रिएक्शन में एक एलिमेंट जो है मौजूद है। ये आपके पास 1 होगा, ये 0 हो जाएगा 1 प्लस 5। तो ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल्स दे रहा था कि कैसे सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है और डिफरेंट वाले जो है वो ऐड नहीं हो सकते। तो हम राइट कर सकते हैं ए एंड ई, ये आपके पास कंफर्टेबल है। उसके बाद बी एंड डी, बी एंड डी और सी किसके साथ होगा, एफ के साथ, सी एंड एफ, ये आपके पास आपस में जो है वो ऐड किए जा सकते हैं। बाकी जो है वो नहीं ऐड किए जा सकते क्योंकि उनके ऑर्डर डिफरेंट थे, डिफरेंट ऑर्डर जो है वो ऐड नहीं किए जा सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही करना था। अब सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 में उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड करने हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स। आपके पास ए बी सी डी ई एफ तक मैट्रिसेस गिवन है, इसमें मैं डिफरेंट 2, 2, 3 जो है वो फाइंड कर दूंगा। एक बी का मैं आपके पास इनवर्स राइट करूंगा 1, 0, -1, 2, -1, 3, 3, -2, 1। ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। इसके पास एफ मैट्रिक्स जो है इसका भी इनवर्स हम राइट करेंगे √3, 1, -1, √2। फर्स्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है ये सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के लिए आपने इस मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स राइट करना है। तो बच्चों अगर आपके पास 1 है ना तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो आपके पास क्या होना चाहिए -1। एडिटिव इनवर्स आपके पास वो होता है कि नंबर के अंदर उसका इनवर्स ऐड कर देना, उसका इनवर्स ऐड कर देना। तो नंबर के अंदर उसका इनवर्स ऐड कर देना, 1 है तो इसमें मैं ऐड कर दूं -1 को तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस आ जाता है, 1, -1, 0 आ जाए। जब भी एडिटिव इनवर्स हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वही आपका हम लेते हैं नंबर मैग्नीट्यूड में लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट लेते हैं, प्लस में हो तो माइनस में लेते हैं, माइनस में हो तो प्लस में लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये नंबर 2 है -2 तो इसका इनवर्स मेरे पास क्या होगा +2। मैंने इसमें इसका इनवर्स जो कि +2 है उसको एड कर दिया
तो माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो बात मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैं इसका जब एडिटिव इनवर्स लूंगा तो एक तो मैं बी के साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा, एक अंदर इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ मैं साइन जो है वो चेंज करके राइट करूंगा। जीरो नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव ऐसी चीज को कहते हैं जो ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है। तो ये आपके पास ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस वन है तो प्लस वन आ जाएगा, प्लस टू है तो माइनस टू, माइनस वन है तो प्लस वन, प्लस थ्री है तो माइनस थ्री, अब प्लस थ्री था तो माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस टू है तो प्लस टू आ जाएगा, माइनस वन है तो माइनस वन आ जाएगा। अब आप जरा चेक करो, ये बी था और ये मैंने इसका इनवर्स ले लिया, ये बी है और ये इसका इनवर्स है। तो ये बात जो मैंने इधर आपको बताई है कि ऐड करने से जीरो हो जाता है, अभी मैं एग्जांपल के लिए बी में उसका इनवर्स ऐड कर देता हूं। बी आपके पास वन जीरो, माइनस वन टू, माइनस वन थ्री, थ्री माइनस टू वन। अब मैं इसमें इसका जो इनवर्स है ना उसको ऐड करने लगा हूं, इनवर्स है माइनस वन जीरो वन, माइनस टू वन, थ्री माइनस थ्री टू, माइनस वन। तो अब मैं इनको ऐड करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ करें, फर्स्ट एलिमेंट को आप क्या करें, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, जो भी आपके पास इसका सेटअप है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में आप करेंगे, सेकंड एलिमेंट को आप सेकंड एलिमेंट में करेंगे। आप करके इनको चेक करें तो आपके पास जो इसका फाइनल सॉल्यूशन है वो किस वे में आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन आपका जीरो आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो है ये साइन जो है इसको मैं ये नेगेटिव साइन मैंने हटा दिया है, ये इसलिए मैंने हटा दिया है क्योंकि इसका जो नेगेटिव वी है वो तो इसके एलिमेंट्स है ना, इसके एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स को तो मैंने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, अब मैंने इसको इसके अंदर ऐड करना है। जो इसका माइनस था ब्रैकेट में मैंने ये यूज किया वो इसके एलिमेंट्स के साथ है, दरमियान में हम लोगों ने नहीं लगाना। अब आप देख लें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो कि वन है, इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो कि माइनस वन है उसमें ऐड करें, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो कि जीरो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट जीरो में ऐड करें, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट जो कि प्लस वन है उसमें ऐड करें, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करें, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट वन में ऐड करें, और थ्री सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है इसको सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट जो कि माइनस थ्री है उसमें ऐड करें, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो कि थ्री है उसको थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट जो कि माइनस थ्री है इसमें ऐड करें, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट जो कि माइनस टू है इसको थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट जो कि प्लस टू है उसमें ऐड करें, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट जो कि वन है उसको थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट माइनस वन में ऐड करें, माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, प्लस टू माइनस टू जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, माइनस टू प्लस टू जीरो, वन माइनस वन जीरो। तो ये आप चेक करें तो आपके पास सबके सोल्यूशन जो है वो जीरो आ गए हैं। तो वही बात जो मैं इधर कर रहा था ये मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दे दिया है कि जब भी किसी नंबर में उसका इनवर्स ऐड किया जाता है तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो जीरो आ जाता है, ये मैंने नंबर में उसका इनवर्स जो है वो ऐड किया है। तो हमने इसका इनवर्स राइट कर दिया। अब एफ का इनवर्स लेना तो ये भी बड़ा सिंपल है, आपके पास एफ के साथ नेगेटिव साइन लगाएं और जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं इसका भी साइन चेंज कर दें, स्क्वायर रूट थ्री के साथ प्लस था माइनस कर दिया, वन के साथ प्लस था माइनस कर दिया, माइनस वन के साथ माइनस है तो प्लस कर दिया, स्क्वायर रूट टू के साथ प्लस है तो आपने माइनस लगा दिया। आपने स्क्वायर रूट के अंदर नहीं माइनस लगाना, बाहर लगाना है, साइन जो है वो बाहर वाली साइड पे आता है, अंदर हम नहीं उसको लगा सकते। तो ये मैंने बी और एफ के आपके सामने एडिटिव इनवर्स जो है वो राइट कर दिए हैं, बी और एफ के एडिटिव इनवर्स आपके सामने मैंने जो है वो राइट कर दिए हैं, आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग मैट्रिसेस हैं वो आप इसी वे से उनको बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास था क्वेश्चन टू। अब इसका क्वेश्चन थ्री जो है वो आपके पास है, क्वेश्चन थ्री है आपके पास, इसमें आपको डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है,
ए मैट्रिक्स आपको गिवन है जो जो कि है आपके पास -1 2 2 1। बी आपको गिवन है वो आपके पास है 1 -1, और सी आपको गिवन है ये आपके पास है 1 1 -2, और इसके बाद लास्ट आपको डी गिवन है। डी मैट्रिक्स आपका इक्वल है 1 2 3 -1 0 2। अब ये आपको डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है और आपको इन मैट्रिसेस को यूज करते हुए मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए प्लस दिस मैट्रिक्स। अब ए आपके आप कहां से लेंगे जो उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको मैट्रिसेस दिए हुए ए बी सी डी, इसमें से आप ए इसको लेंगे, आप ए के एलिमेंट यहां पे राइट कर दें। ए के एलिमेंट है आपके पास -1 2 2 1, और एडिशन साइन है, प्लस साइन है, साइन लगा दें 1 1 1 1। अब इनको ऐड करें, ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसमें फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा +1 -1, और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 है और इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 है, 2 प्लस 1, और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इधर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इनको भी ऐड कर दें। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 है, इनको ऐड कर दिया हमने, -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2। ये आपके सामने मैंने ए प्लस 1 1 1 मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व कर दिया है। ए बी सी डी जो भी आपको गिवन होगा वो आप क्वेश्चन के स्टार्ट में जो आपको ए बी सी डी के मैट्रिक्स गिवन है इनमें से लेंगे, और बाकी मैट्रिक्स आपके सामने होगा, आप क्या करेंगे इसको यूज करके अपना जो सोल्यूशन है वो फाइंड कर लेंगे। और जस्ट आपने ये चीज याद रखनी है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक फर्स्ट कॉलम जो मैट्रिक्स होगा उसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो उधर सेकंड में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, बाकी आपकी वो सिंपल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है वही बन जाती है इसमें भी। तो इसके जो फर्स्ट फोर पार्ट्स हैं वो इसी वे से हैं। अब फिफ्थ को मैं सॉल्व करता हूं, फिफ्थ है आपके पास 2A 2A। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय A मैट्रिक्स, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ, तो हम क्या करेंगे 2 और A मैट्रिक्स की जगह पे उसके एलिमेंट्स उसका मैट्रिक्स जो है वो राइट कर लेंगे -1 2 2 1। अब आपका 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट्स के साथ, -1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 2 टाइम 4 2 2 टाइम 4 1 2 टाइम 2। सिंपल सा काम है, 2A है, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स के साथ, 2 के साथ A मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको राइट करें, फिर 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमने इसका फिफ्थ पार्ट भी कर दिया है जो कि सिंपल था। अब इसके फिफ्थ पार्ट के बाद 6